दोस्तों स्वागत है आपके अपने एसएसटी क्लास में। हम आज दोस्तों उपस्थित हैं एक छोटे से टॉपिक लेकर, हिस्ट्री का छोटे से टॉपिक। आज हम बोध संहिति के बारे में देखेंगे दोस्तों की प्रथम बोध संहिति कहाँ हुई थी, द्वितीय बोध संहिति कहाँ हुई थी और किसके शासन काल में हुई थी और कौन इसका अध्यक्ष था और कौन इसके शासन काल में हुई थी। बौद्ध धर्म से लेकर दोस्तों बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं किसी भी एग्जाम में, जैसे स्टेट एग्जाम, बिहार पुलिस, किसी भी स्टेट के एसएससी, रेलवे, हमेशा एक या दो नंबर में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप चाहेंगे एक बार देखने के बाद दोस्तों आप चाहेंगे कि मैं इसको भूल भी जाऊं तो भी आप नहीं भूल सकते हैं, ऐसा एक टॉपिक है और ऐसे एक छोटे से ट्रिक के माध्यम से आए हम लोग। देखिए दोस्तों आइए देखते हैं पहली बोध संहिति। जैसे दोस्तों राजा महाराजा आजा, पहले लोग राजा महाराजा को बुलाते थे ताकि उनका खूब सम्मान होता, तो दोस्तों इसी से हमारी प्रथम बोध संहिति की है। प्रथम बोध संहिति की दोस्तों पहला राजगृह में हुई थी और उस समय दोस्तों इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। और दोस्तों शासन काल था अजात शत्रु का। और दोस्तों अब हम ये प्रथम बौद्ध संहिति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। अब दोस्तों दूसरा देखेंगे हम बौद्ध संहिति वैश्य सबका काल है। दोस्तों जो भी इसके चक्कर में पड़ता है समझे दोस्तों उसका विनाशी है, तो इसके माध्यम से हम दूसरी बौद्ध संहिति देखेंगे। वैश्य से दोस्तों वैशाली हो गया, दूसरी बौद्ध संहिति वैशाली में हुई थी और इसका अध्यक्ष दोस्तों सभा कामी था। और दोस्तों शासन काल में हुई थी कालाशोक के शासन काल में हुआ था। और तीसरा दोस्तों बहुत संहिति देखेंगे पटाओ मत आशी, जो भी दोस्तों आशकी के चक्कर में जाता है उसको अपने पढ़ाई लिखाई को चौपट कर देता है। तो आइए दोस्तों इसी माध्यम से पटाओ मतलब दोस्तों पाटलिपुत्र। दोस्तों पहले पटना का ही नाम था पाटलिपुत्र, अब देखेंगे दोस्तों ये मत से हो जाएगा दोस्तों मोगली तुसम। मोगली पुत्र और उस समय दोस्तों शासन काल था अशोक का। और चौथा दोस्तों कुंवर जी कंगाल है। कुंवर जी का मीनिंग दोस्तों जगह जगह पे कुछ और होता है, जैसे कुंवर जी को हम लोग बोलते हैं दामाद, जिसकी शादी हो जाती है, मतलब दोस्तों जिसकी शादी हो गई समझो वो कंगाली है। तो इसकी चौथी बौद्ध संहिति की दोस्तों कुंडल वन कश्मीर, और इसके अध्यक्ष थे वसुमत्र जी। और उस समय दोस्तों शासन काल था कनिष्क का। और इसी बौद्ध संहिति में दोस्तों बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान, कनिष्क के शासन काल में ही चौथी बौद्ध संहिति में। बार बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। अगर ये आपको टॉपिक छोटा सा ट्रिक अगर ये अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।